ये गोटी वेल्डिंग करते थे हमेशा यहाँ से पहले ये पाइप का सपोर्ट देने का, ये वेल्डिंग जो करे ना इसको वेल्डिंग करते वक्त पहले सपोर्ट देने का, नहीं तो इसको गर्म करेंगे ये माल गल जाएगा, ये पाइप झुक जाएगा या फिर टूट जाएगा, इसलिए पहले इसको सपोर्ट देने का। ये पाइप अपन ने नया बनाया, ये पाइप पुराना वाला क्रैक था, ये पुराना अपन ने अलग निकाल लिया, ये अपन ने नया हुंडई का फिटिंग किया, ये तो यहाँ से ज्वाइंट किया हुआ था किसान पाइप पहले, तो अभी ये निकाल के फेंक देने का, नया पाइप बना के इसको लगाने का। तो ये लगाते वक्त पहले एक सपोर्ट और ये लिक्विड पाइप को इसके साथ सपोर्ट ये देना ज़रूरी है। और ये जो वेल्डिंग करेंगे एक कोर फ्लक्स वेल्डिंग रॉड से ही करने का, फ्लक्स और रॉड अलग अलग सेपरेट इससे करोगे तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, इधर से लीक चालू हो जाएगा। इसको वेल्डिंग ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा बनाना पड़ता है क्योंकि रॉड बड़ा है ना, ये इसको वेल्डिंग कर रहे हैं ये बड़ा रहता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा लगता है पूरा गर्म होने को। इसमें प्रिकॉशन ये कहते कि ये ब्रेजिंग करते हुए नीचे माल घसरने को नहीं होना, यहाँ अपना दूसरा कुछ लगता हुआ देने का लिक्विड वाइप को, मतलब तो लिक्विड वाइप को टेम्परेचर देखो दोगे, पहले वो ज़्यादा गर्म हुआ ऐसे टेम्परेचर इधर से देने के कारण पिघल जाएगा। इसमें भी घुमा देने का, पूरी तरह घुमा दे, मोबाइल घुमा, ये हो गया ब्रेजिंग, ठंडा करो। एक डायरेक्ट पानी में नहीं डालने का क्योंकि ये मेटल ये जो साइज बड़ा है ना, इसको थोड़ा ठंडा हो देने के पहले, ठंडा होने के बाद पानी में डाला तो भी चलता, सडन पानी में नहीं डालने का। ये हमारे मुझे बिन भाई ने इसका पूरा सेटिंग किया, पाइप बैंड ये ब्रेजिंग ये कनेक्टर के साथ।